ओके सो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है। वेलकम। सभी को रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वीडियो चालू करें। अपना अपना वीडियो चालू करें, सबको रिक्वेस्ट है। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस फ्री इंडिया यह कार्यक्रम में कि हम लोग लोगों को ना क्यों नहीं बोल सकते। सवाल यह है कि हम लोगों को ना क्यों नहीं बोल सकते। बहुत लोगों का यह प्रॉब्लम आता है कि वो लोगों को ना नहीं बोल सकते। जब पूछा गया कि भाई लोगों को ना क्यों नहीं बोलते हैं, बोला तो क्या होगा, क्योंकि लोगों को ना बोलते हैं तो होगा क्या। तो लोगों को ना बोलते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में फिर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें निकल आती है। तो मैं मेरा टॉपिक चालू करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। तो भाई आप लोगों को ना बोल सकते हैं क्या, और ना बोल सकते हैं तो कैसे क्या ना बोल सकते हैं, और ना नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं ना बोल सकते। तो तब तक लोग आते हैं तब तक हम चर्चा करेंगे। यस, कौन बात करेगा? ये लोगों को आप ना नहीं बोल सकते, यदि बोल सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते। यस प्रवीण जी बोलिए। सर, मेरा तो ऐसा है, मैं ना नहीं बोल सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे जो एकदम से नहीं नहीं बोल सकते किसी को। सर, ये फैक्ट है, भले ही वो खुद तकलीफ का सहन करेंगे, पर अगले को मतलब एकदम से नहीं नहीं बोल सकते। हाँ और आप तो किसको किसको ना नहीं बोल सकते? मतलब जैसे अपना कुछ मतलब उसमें नहीं है, फिर भी अगर किसी को जरूरत है और तो अपन एकदम मतलब ऐसे नकार नहीं दे सकते किसी को। बोलते हैं कि हाँ देखेंगे करेंगे, मतलब ऐसा होगा नहीं, अपने को मालूम है कि अपने से नहीं होगा ये काम, फिर भी अपन उसको एकदम मतलब क्लियर नहीं नहीं बोलते। मतलब हाँ, और फिर वो गलत उसका नहीं है। फिर परिणाम क्या होता है, जब आप क्लियरली आप उसको नहीं नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल देते हैं और फिर करते नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होता है? फिर झूठे पड़ जाते हैं, फिर हाँ, उसके झूठे पड़ जाते हैं, सामने। झूठे पड़ जाते हैं। और छूटे पड़ जाते हैं, है ना? फिर उसका क्या हाँ इम्पैक्ट है, उसका क्या असर होता है? इसका फिर वो दूसरी बार फिर से नहीं बोलेगा अपने को। हाँ, फिर दूसरी बार अपने को नहीं बोलता हो, मालूम है कि ये हाँ झूठ बोलता। हाँ बोलते हैं मगर करेंगे नहीं। या यस चैतन्य एन स्वामी चना की जरा। ओके हाँ चना की जरूर बोलो, सर, ऐसे हो? कभी कभी हम ना बोलने के पे हम ना बोलने के बाद हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। हाँ, रिश्ता खराब हो जाता है, नाम बोलते रिश्ता हैं तो रिश्ता खराब हो जाता है, ये आपको डर है, बराबर है? और रिश्ता खराब हो गया तो और घर में ही झगड़ा हो जाता है सर। घर में झगड़ा होगा, किसके घर में, उसके घर हाँ में कि आपके घर में? सभी नहीं, सभी के घर। के घर में झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो क्या होगा? कुछ अनाव तनाव होता है सर, हाँ, तो उसका हो गया तो क्या होगा? वो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आएंगे, टेंशन में आएंगे। और तरह तरह का बीमारी आने लगता है। और बिना मतलब जो पैसा हम बचा सकते थे वो हम बचा नहीं पाते, वो खर्च कर देते हैं। वो
अनवांटेड एक्सपेंसेस में चला जाता है हाँ सर, मतलब आपको कहना ऐसा है कि अनवांटेड झगड़ा, हाँ आपको लाइक कहना तनाव ऐसा में. है कि तनाव आता है, तनाव आने के बाद में बीमारी आती है, बीमारी के बाद में फिर ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ऐसा आपका कहना है बराबर यस सर है? ओके गुड, या बराबर है सर. नहीं बराबर और मतलब गलत सही कुछ नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ हाँ है ना कि भाई समझो ऐसा होता है तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं क्या? यस, और कोई नहीं बड़ी है? इसका सॉल्यूशन क्या है सर? हाँ सॉल्यूशन क्या है वो महत्व का है, इसका सॉल्यूशन क्या है ना? सॉल्यूशन सर हाँ सॉल्यूशन क्या है? रिश्ता तोड़ के क्लोज करने का, तो उससे कॉम्प्रोमाइज करने का कुछ ऐसा. बट सी टू दैट इट शुड नॉट रिपीट, इट शुड नॉट गेट रिपीट. ओके, हु एल्स, और कौन बोलेगा? एनीबडी, और कोई कहना क्या है इसके बारे में कि हम लोगों को ना क्यों नहीं बोल पाते या क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ जी स्वाति बोलिए, स्वाति जब अमेरिका से जाने तो हमको लगता है कि इंटरनेशनल कॉल चल रहा है, नहीं क्या? अमेरिका में ना अभी? यस हाँ सर, यस हाँ तो इंटरनेशनल, सर, तो इंटरनेशनल कॉल है ना फिर तो, अमेरिका है ना तो, यस बोलिए। हाँ सर, वही है ना, ना नहीं बोल पाते क्योंकि सामने वाले को बुरा लगेगा, ऐसे लगता है इसको बुरा लगेगा, इसलिए ना नहीं बोल पाते वो टाइम पे। हाँ बोल देते, लेकिन जब सच में करने का टाइम आता है तब फिर कुछ ना कुछ रीजन देके टाल देते। उससे ये होता है कि सामने वाला अपने को मतलब प्रॉपर से विश्वास नहीं रख पाता है। हाँ सामने वाले का विश्वास खो डालते हैं, वो एक उसका हाँ इम्पैक्ट है कि भाई ये हाँ तो बोलेंगे हाँ मगर करेगा नहीं, फिर हम क्या और होता है उसके पीछे का. हाँ अगले टाइम सामने वाले से मिलते तो थोड़ा अपने को गिल्टी लगता है, बिल्कुल. थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता और सामने वाले को आपको है ना पीछे लग के बोलना पड़ता है, अरे हाँ स्वाति करना है फिर, हाँ स्वाति करोगे ना, हाँ उसको बार 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 बार, वो आपको दो दो तीन तीन बार पीछा क्यों करता है? है हाँ क्योंकि करना हमने तो करना, क्योंकि पहले आपने हाँ बोल के है, किया नहीं है, गलती किया नहीं है, तो फिर हमको वो आदत से लग जाती है कि देखो ना हाँ करेंगे ना, फिर हाँ करेंगे ना, फिर अपने बोलता है क्या पीछे लगाया अपने, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने पिछले बार हाँ बोल के किया नहीं था, है ना. लोग बार 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 क्यों आपको बोलते हैं, हाँ करना ना माँ, नक्की करना ना, नक्की बराबर है ना. बच्चे बराबर अपने को पूछते हैं, बच्चे को है ना, छोटे बच्चे 8-10 साल का बच्चा रहा, 12 साल का बच्चा रहा, माँ बाप को पूछता है नक्के बराबर पक्का लाएंगे ना चॉकलेट, हाँ नक्के आइसक्रीम लाएंगे ना बराबर पक्का लाएंगे ना, तो उसको लगता बार है कि बार भाई पूछते पूछ हैं लो सर बार बार बिल्कुल पूछेंगे सही। क्यों, क्योंकि उनको विश्वास नहीं आता है, क्योंकि पिछले बार आपने उनको धोखा दिया था हाँ बोल के ना कर दिया था, तो उनके मन में, बच्चों के मन में आप विश्वास पात्र नहीं है, यस उसको बार बार पूछना पड़ता, आपको कंफर्म करना पड़ता, बच्चों को आपके बच्चों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है. राइट, यह सरिता आपको बोल रही थी. हाँ जी यस सर, वही इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि हमारे बारे में वो क्या सोचेगा आगे वाला, अगर हमने ना बोल दिया तो फिर वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, हाँ तो उसके मन में अच्छा रहना रहता है ना, इमेज अच्छी रहे सबके मन में हमारी, हाँ ये सोचते हैं और वो अच्छा रहेगा तो फिर क्या होगा, समझो अच्छी हम। रहेंगी इमेज, और समझो ना बोला तो खराब हो जाएगी, बराबर हाँ है कि नहीं? हाँ तो खराब होगी तो क्या होगा, खराब हो गई तो फिर अच्छा नहीं है ना सर, वो बोलेंगे कि ये तो खड़ूस है, ना बोल दिए। हाँ ये खड़ूस है, इसको कोई कीमत नहीं है, ऐसा बोलेंगे. और वो क्या, और वो ऐसा बोल दिया खड़ूस है ना बोल दिया तो क्या होगा, हमें तो बुरा फिर लगेगा ना सर, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए ऐसा लगता है ना हमें। हाँ
लोगों ने आपको अच्छा बोलना चाहिए ऐसा लगता है ना, क्यों अच्छा बोलना चाहिए? तो बोलेंगे स्वार्थी है, हर बात में नाना करती है। हाँ, और ऐसा बोला तो क्या होगा? तो अच्छा नहीं है ना सर, कोई ना ऐसे स्वार्थी है बोलेंगे तो हम तो वैसे नहीं बनना चाहते ना। तो मगर नहीं बनना चाहते मगर आप करते तो नहीं हो, तो स्वार्थी तो हो ही गए। हाँ स्वार्थी हो गए, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हमारे बारे में, फिर अच्छा सोचते हैं वो। कैसा अच्छा सोचेंगे जब आपने उनको उनका काम किया ही नहीं? तो अभी तो बहाना बता देते हैं सर, क्लियरली थोड़े ही बताते हम, बहाना बना दे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसके मन में मेरी प्रतिमा खराब हो जाएगी, मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, और फिर संबंध खराब हो गए तो क्या होगा? अकेले बन जाएंगे हम। हाँ अकेले बन जाएंगे, और अकेले होंगे तो क्या होगा? समझो मैं अकेला हूँ, अकेलापन, अकेलापन कैसा रहता है? अकेला है तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा सर लाइफ में, मजा नहीं आएगा, या अकेला अपने को जीना पड़ेगा तो ये काम में नहीं आएंगे, लोग काम में नहीं आएंगे। हाँ। है ना, मुझे मुझे जब कोई काम चाहिए, मुझे जब कोई हेल्प चाहिए तो ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, मैं यदि अकेला रहूंगा तो, है ना, ये मेरे काम में नहीं आएंगे। तो मुझे ये चाहिए कि ये लोग मेरे काम में आना चाहिए, और काम में आना चाहिए मतलब कौन सा काम? काम में आना चाहिए मतलब कौन सा काम, कौन से काम में आना चाहिए? काम में आना चाहिए मतलब कौन से काम में आना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना क्या मुझे है ना मोक्ष प्राप्ति करना है, है ना? मोक्ष प्राप्ति करना है मुझे, है ना, अपने आप को पहचानना है, खुद को जानना है, सेल्फ, है ना, मैं कौन हूँ, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मेरे पर्पस जो है लाइफ का वो मेरे को ढूंढना है, और इसके लिए आदमी काम में नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ कि भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमी मेरे को काम नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। या ये आदमी मेरे को गुरु करके काम में नहीं आएंगे, ये गुरु है मेरा, ये कोच है तो ये गुरु करके काम में नहीं आएंगे, ये मेरे को सिखाता है तो ये काम में नहीं आएंगे। मतलब तो हमको फिर वो आदमी से क्या चाहिए? वो आदमी से हमको चाहिए एक तो मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग। और मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक मतलब भाई उसने मेरे को पैसा काम पड़ा तो पैसा देना चाहिए, उसने मेरे को समझो काम पड़ा तो हेल्थ के बारे में कुछ करना चाहिए मदद, बच्चों को कुछ मदद चाहिए, तो मेरे को मतलब जो मटेरियलिस्टिक थिंग जो है जो मुझे रोज के दैनंदिन जीवन में काम में आती है वो मेरे जीवन जीने के लिए आदमी काम में आना चाहिए। और मैं यदि इसको ना बोलूंगा तो ये मेरे आदमी काम में नहीं आएगा, वो भी मेरे को ना बोलेगा, और वो ना बोलेगा तो मैं अकेली वो नहीं कर सकूंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। इसलिए मेरे को उसको दुखाने का नहीं है, कुछ तो भी बहाना बनाने का और कुछ तो भी करने का, मुझे जब चाहिए तब। और दूसरा कि मुझे वो बुरा बोलेगा, वो अच्छा नहीं बोलेगा। मतलब क्या है कि मुझे जो ईगो सेटिस्फेक्शन है, जो वाहवा चाहिए, जो मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, लोगों ने बोला चाहिए वाह क्या आदमी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मीठा बोलता है वगैरह, ऐसा चाहिए, तो वो नहीं होगा। क्यों ऐसा? लोगों ने बोलने से मैं बड़ा होता हूँ क्या? लोगों ने बोलने से मैं छोटा होता हूँ? लोगों ने बोला तो मैं अच्छा हूँ क्या? मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ ये लोगों ने बोला तो मैं अच्छा हूँगा क्या? कि मुझे मालूम है मैं कौन हूँ? यदि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है, या किसी ने बोलने की जरूरत क्या है कि मैं कौन हूँ, अच्छा हूँ कि बुरा हूँ? यदि मैं अच्छा हूँ तो लोगों के लिए मैंने क्यों राह देखना चाहिए कि भाई मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ? लोगों ने मेरे को अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये मतलब लोगों के ऊपर क्यों डिपेंड है? तो मुझे जब काम पड़ेगा तो ये आदमी मेरे काम में नहीं आएगा, नंबर एक। नंबर दो कि ये मुझे अच्छा नहीं बोले, और लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से मेरे आप को ऐसा समझता हूं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। जब मेरे दिमाग में ये विचार जा रहे कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे में कुछ तो भी कमी है, तो फिर मैं ढूंढता हूं कि मुझे कोई तो अच्छा बोले। मैं खुद को मेरे बारे में बुरा बोलते रहता हूं,
तो फिर मुझे बाहर से भी बोलने वाला चाहिए मेरे को अच्छा बोल, मेरी प्रतिमा मेरे दिमाग में मेरी अच्छी नहीं है, मैं मुझे कम समझता हूँ, मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, मैं समझता हूँ कि मेरे में कुछ तो भी कमी है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, इतना प्यारा इंसान नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इतना स्मार्ट नहीं हूँ, इतना पैसे वाला नहीं हूँ, इतना ये नहीं, उतना वो नहीं है, तो फिर मुझे अभी लोगों ने तो अच्छा बोलना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, और फिर बुरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो हम जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, या लोग क्या कहेंगे, मैंने नहीं बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, वो आदमी क्या कहेगा। और फिर उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, हमको लोगों के पीछे क्यों पड़ना चाहिए, पड़ना पड़ता है। देखो ना बच्चों को, हमको उसका इम्पैक्ट कैसा होता मालूम है क्या, मैं मेरे स्टाफ को दो दो तीन तीन बार पूछता हूँ, अरे किया क्या, अरे किया क्या, बेटे को पूछूंगा अरे किया क्या, अरे किया क्या, ऐसा क्यों, मेरे को पीछे लगना पड़ता है। मुझे पीछे इसलिए लगना पड़ता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई बार 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 जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक ये काम ही नहीं करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसने ऐसा, मैं हूं कि मैं मुंह पे हाँ बोल देता हूँ और करता नहीं, वैसा ये भी है कि मुंह पे हाँ बोल रहा है ये एक्चुअली करेगा नहीं, इसलिए मेरे को बार 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 उसके पीछे लगना पड़ता है। और लोग भी मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि ये करेगा नहीं। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, हमने हमारा हमारे ऊपर का विश्वास, लोगों के मन में हमारे ऊपर विश्वास नहीं, और फिर कितना इसमें समय जाता है, पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि हम हमारा शब्द नहीं है, मैंने हाँ बोला इसका मतलब हाँ नहीं है, मैंने हाँ बोला इसका मतलब ना है, या ना भी हो सकता है, मैं करूंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके इसके दुष्परिणाम है स्ट्रेट नहीं होने के, और तो फिर आप दब दब के जीवन जीते हैं। जैसा आपने बोला कि मैं समझे आप बाहर जा रहे हैं, आपके बेटे ने बोला कि हाँ आते आते मेरे लिए आइसक्रीम लाना या चॉकलेट लाना, तो आप बोलते हैं हाँ लाऊंगा, नहीं तो नहीं बोलते हैं हाँ लाऊंगा, और फिर लाते नहीं हो, फिर कुछ तो बहाना बनाएंगे, अरे वो ऐसा हो गया, वो दुकान बंद थी, फिर आइसक्रीम दुकान बंद थी इसलिए ऐसा हो गया, बहाना बना देंगे। और फिर क्या होता है, फिर बच्चों के मन में आपके लिए ऐसा होता है कि ये अपना शब्द का पालन करते नहीं है, ये सिर्फ हाँ बोलते हैं मगर करते नहीं है, आप सीधा नहीं नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे भूल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना धमाका दे दिया। तो हमको बताना क्यों पड़ता है, हमको ये बताना पड़ता है कि मैं कितना अमीर हूं, ये बताना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे को बताना पड़ता है अमीर हूं, नहीं है तभी बताना पड़ेगा, जो नहीं है उनको बताना पड़ता है, हमको बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्सेस लेके जाना पड़ेगा, पड़ता है, शादियों में जाते गिफ्ट लेके जाएंगे, अपने को पूरा तभी नहीं है तो गिफ्ट लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि गिफ्ट नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी गिफ्ट नहीं दिए तो बोलेंगे अरे उन्होंने इतने दिया, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने ना सीधा ना बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, उसको क्या लगेगा, उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं, मेरे संबंध खराब होंगे, संबंध खराब होंगे तो वो मेरे काम में नहीं आएगा, अच्छा वैसा बहुत काम में आ रहा है क्या, वो पता नहीं काम में आ रहा है क्या, मगर वो काम में नहीं आएगा करके फिर, अच्छा वो काम में नहीं आया तो फिर मैं अकेला जीवन जी नहीं सकूंगा, मुझे तो चाहिए मदद लोगों की, क्योंकि फिर और इसके नीचे एक और एक लेयर है, वो है कि मुझे इनसिक्योरिटी लगती है अकेला जीवन जीने में, अकेला जीवन जीने में मुझे लगता है कि मैं इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी, और इसलिए फिर मुझे लोग चाहिए, और फिर लोग चाहिए तो उनको मेरे को दुखी नहीं करना है, और डायरेक्ट ना बोलने का नहीं, तो उनको सुखी भी रखना है, झूठ भी बोलना है, और सब झूठी लाइफ जीने का है, झूठा लाइफ, झूठी लाइफ, झूठा इंसान बन के सीधा नहीं बात करना, क्यों सीधी बात करेंगे तो संबंध खराब हो जाएगा, सीधा ना बोलेंगे संबंध खराब हो जाएंगे, और वो अच्छा दिखता नहीं है, वो मेरे काम में आएगा नहीं, और काम में आएगा नहीं तो मैं अकेले जीवन नहीं जी सकूंगा,
मुझे जो जो चाहिए चीजें जीवन जीने के लिए, वो समझो मुझे काम पड़ा वो आदमी से, तो वो देगा नहीं, वो भी मेरे को ना बोलेगा, इसलिए मैं उसको टाल देता हूँ, हाँ बोलता हूँ और टाइम पास कर लेता हूँ, और मैं विश्वास पात्र नहीं रहता हूँ, ये उसकी कीमत चुकानी पड़ती। तो इसमें से आपको सबको क्या समझ में आ रहा है, मैं जो क्रिएट किया हूँ आपके लिए क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, जरा हाथ ऊपर करके आप बात कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूँ। यस सरिता जी बोलिए। यस सर, इसमें से ये समझ में आया कि जो है वो क्लियर क्लियरिटी वाली लाइफ हमने जीनी चाहिए। वक्त पे ना बोल दिया तो थोड़ी देर के लिए शायद बुरा लगेगा, लेकिन हमारे अंदर से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, हमें और फिर झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बहाना नहीं करना पड़ेगा, और अकेले भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत है तब हमने, जब कर सकते तब हाँ भी बोल सकते हैं, हाँ हाँ भी बोलना है ना, लेकिन ऐसा भी हाँ जब जब करना है तो नहीं है हाँ बोलो, पॉसिबल जब तो नहीं नहीं करना है तो बोल। ना बोलो। हाँ कम से कम तो आप विश्वास पात्र इंसान तो बने कि नहीं है, ये हाँ बोलता है ना तो ये करेक्ट करेगा, सर, करेक्ट सर, है ना, ये हाँ बोलता है तो करेगा। यस सर। तो उससे भी एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी, जो जिस इमेज को हम सोच रहे थे कि बनी रहनी चाहिए उनके दिलों में, हाँ, एक्चुअली बुरी तो इमेज बन जाती है, हाँ बुरी इमेज बनती है एक्चुअली उससे। बुरी इमेज बन जाती है। आप एक्चुअली यस ना सर, बोलेंगे मुंह के ऊपर, जब करना है तो हाँ बोलेंगे, नहीं करना है तो ना बोलेंगे, तो हाँ आपको भी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, अपने अपने बारे में आपकी सोच है, वो भी ऊंची हो जाएंगी, आपका यस सेल्फ सर, एस्टीम ऊंचा हो जाएगा, आपका अभिमान स्वाभिमान अच्छा रहेगा, यस आप सर, नजर में नजर आंख में आप डाल के बात कर सकोगे, कॉन्फिडेंटली राइट सर, बात कर सकोगे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि नहीं भाई यस मैं नहीं सर, कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता हूँ वो भी जैसा मैंने बताया कोई मेरे प्रोग्राम में पहले, कि वो भी आप नम्रता से ना बोल सकते हैं, उसके लिए यस सर, अहंकार से ना बोलने की जरूरत नहीं है, नम्रता से बहुत ही लीनता से, है ना, कि नहीं भाई सॉरी मैं नहीं कर सकूंगा, प्लीज आप मुझे समझ लो, शायद मेरे को ये करना संभव नहीं है, क्या मुझे आप माफ करोगे मैंने नहीं किया, तो आप बुरा मत मानो मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकूंगा, मतलब इस तरह का आप बोल के क्लियर कट ना बोल सकते हैं, ताकि उसको बुरा भी लगेगा नहीं कि भाई ये तो बहुत अहंकारी है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कैसा ना बोल रहा है ना, ऐसा कैसा मन दुखा रहा है, ऐसा भी उसको लगेगा नहीं, और उसको उसके दिमाग में हो जाएगा कि नहीं हाँ बोलता तो हाँ ही है भाई। नहीं तो आज हमारे आजू बाजू में सब लोग ऐसे हैं कि मुंह पे हाँ बोलते हैं और बाद में वो करते नहीं है। अब दूसरा एक कारण यह है कि हाँ बोलते और करते नहीं है, तो नहीं करने का और एक कारण है कि उनके पास में एग्जिस्टेंस सिस्टम नहीं, हाँ बोलने के बाद वो एक अलग विषय है, एग्जिस्टेंस सिस्टम होना मतलब अपने अलार्म सिस्टम है, तो मैंने हाँ बोला है तो फिर वो उस समय करना, स्ट्रक्चर में लाना, वो घंटी बज जाएंगी तो उस समय वो काम करना, वो अलग टॉपिक है, वो हम उसको भी छेड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो है तो पूरा कंप्लीट 2 घंटे का और टॉपिक हो जाएगा, कि एक बार हाँ बोलने के बाद में अपने वचन देने के बाद में उसका पालन करना है, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर क्या डालना पड़ेगा, मोबाइल में स्ट्रक्चर क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसी रहेंगी, ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर ताकि मुझे वो बराबर याद आएगा और मैं हाँ बोला तो वो काम करूंगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई हमको ना करना है, करने का नहीं है ना, एक्चुअली मेरे को करने का नहीं, तभी भी मैं हाँ बोलता हूँ और बाद में करता नहीं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है सरिता, है ना, अनम्यूट करना पड़ेगा, हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ, यस सर, बड़ों के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ वो सिर्फ समय टालने के लिए बहुत बार ये चीजें होती है सर। क्या और बड़ों के साथ में भी होता है, जब कोई बॉस है कोई सीनियर है वो आपको कुछ बोलता है तो उसको आप हाँ बोल देते हैं क्योंकि नहीं नहीं बोल सकते, और कोई बॉस ने कुछ बोला हाँ बोलेंगे बाद में करेंगे, वो भी तो होता है, बड़ों के साथ में भी होता है, ऐसा नहीं है, यस चैतन्य बोलो, सर या इसके एक एक और मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए था। क्यों ये हम ना बोलने के टाइम हाँ बोल देते हैं बट जबरदस्ती बोल देते हैं, ऐसा क्यों हाँ होता है सर?
जबरदस्ती उसके फोर्सफुली में उसका जो हमारे ऑपोजिट है ना उसका जोर से उसका जोरों पे हम हाँ बोल देते वो हम कैसे टाल सकते हैं सर? वही तो बात हो रही है ना कि भाई आपको जब ना करना है तब सीधा ना बोलना है, जब हाँ बोलना है तब आपको हाँ बोलने का। बट वो जबरदस्ती करेगा सर हाँ बोलना तो तुम हाँ बोलो हम ऐसे ही करेंगे हाँ, तो ऐसे ही हाँ वो बंदूक लगाता है क्या? बंदूक लगा तो करना पड़ेगा, ऑर्डर है समझो वहां से, बंदूक लगाए तो करना ही पड़ेगा, मर जाएंगे नहीं तो फिर करो। मगर कोई बंदूक नहीं लगाता ना, ऐसे कितने बार होता है कि बंदूक लगा दिया आप? ओके सर बंदूक तो कोई लगाता नहीं है, बोलने की बात है कि बंदूक लगाता है। आप बोल सकते कि नहीं भाई मेरे से होगा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं पॉसिबल। और आप लीनता से शालीनता से रिक्वेस्ट करके सौम्य भाषा में आप बोल सकते कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ओके सर। और आप ना बोल सकते, अभी मैंने समझो आप ना बोल सकते नहीं क्या? बोल सकते हैं ना, समझो मैंने बोला चैतन्य मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए कल आपसे उधार, फिर आप क्या बोलेंगे? हाँ ला के देता हूँ, क्या कहेंगे? दो दिन का टाइम दूंगा सर, दो दिन में देंगे। कोशिश कर सकता हूँ सर। नहीं कोशिश नहीं, देंगे कि नहीं देंगे उतना थोड़ा टाइम लगेगा सर। देते कि नहीं देते मेरे को बोलो, डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं मुझे आपसे 1,00,000 रुपए उधार चाहिए, देते कि नहीं देते? नहीं देता। बोल सकते ना आप ना, अभी बोला ना आपने ना। ओके तो मैंने कितना भी फोर्स किया तो आप ना बोल रहे हैं ना। नहीं चेतन आपको देना ही पड़ता है, मतलब नहीं मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए। ओके ओ हम थोड़ा स्लोली बोल सकते हैं सर। हाँ मालूम है कि नहीं देना है अपने पास में नहीं है तो, और जब चाहिए तो दे सकते हैं सर। और आपके पास में नहीं है ऐसा नहीं, आपके पास में है, आप व्यवस्था कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, है ना? आप चाहते तो दे सकते कि नहीं दे सकते 1,00,000 रुपए? यदि आपकी सचमुच इच्छा है तो आप मुझे 1,00,000 रुपए दे सकते कि नहीं दे सकते बताओ? मैं दे सकता हूँ सर, सचमुच इच्छा दे सकता है। फिर आपने तो नहीं बोला मेरे को, बट आपने नहीं बोला सर ऐसे दे सकते हैं ना, तभी तो आपने नहीं बोला ना। वो हमारे बोल सकते हैं। हाँ, वो हमारे को कैसे टैकल करना है सर? ऐसी टैकल करना है जो आपने भी टैकल किया, कि मैं नहीं दे सकता हूँ, सीधी बात है ना? कि नहीं आपने बोला ना सीधा कि नहीं मैं नहीं दूंगा भाई, और क्या है उसमें? ओके सर बात। जब कोई बोलता है मुझे कि मैं कोशिश करूंगा तो मुझे मालूम है कि देने वाला नहीं है। जब आप बोल रहे कोशिश करूंगा, मुझे मालूम है कि कोशिश करूंगा मतलब देने वाला है नहीं, इसलिए मैंने आपको पूछा देते कि नहीं देते कोशिश, नहीं हाँ कि ना। हाँ समझ आ रहा है? गुड वेरी गुड। यस और कोई क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई स्ट्रेस कम होगा आपका जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ? तो यहाँ से ये इस तरह से आप यदि बिहेव करते हैं, इस तरह से बर्ताव करते हैं तो कुछ स्ट्रेस कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रेस आता है जब इच्छा नहीं होने के बाद में भी आप हाँ बोलते हैं, और इच्छा नहीं होने के बाद में हाँ बोलते हैं और फिर जबरदस्ती करते भी है, इच्छा नहीं है तभी करते हैं, फिर बाद में जबरदस्ती करना पड़ता है करते करते, फिर कुछ तो भी करेंगे, क्वालिटी वर्क नहीं रहेगा, टाइम पास करेंगे जितना चाहिए उतना अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि ना नहीं बोल सकते, और फिर फालतू टाइम भी जाएगा, इम्प्रेशन भी चले जाएगा, इमेज भी खराब होती है, क्या आदमी है कैसा काम कर रहा है, आपकी इच्छा भी नहीं है। यस दो ही लोगों के लिए सेमिनार हो रहा है क्या? बाकी लोगों के लिए नहीं हो रहा है सेमिनार? बाकी लोग अपना अपना वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं।
यस जयेश बोलिए, जयेश भाई। हाँ जय भाई, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि मुझे जब कोई बुलाता है किसी काम के लिए और मैं तुरंत ना बोल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसको बुरा लगा होगा, मगर मुझे तो पता है ये जरूरी था मना करने के लिए, बराबर है। मगर दूसरे दिन क्या, 2 दिन के बाद जब मैं उस आदमी की जरूरत पड़ती है तो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको तो मना कर दिया है, तो वो तो अभी भी मुझे बुरा मानेगा, तो मेरा कभी भी मेरा काम नहीं करेगा, ये बात मुझे माइंड में बैठ जाती है, तो ये बात भूलने के लिए क्या करना चाहिए? वही तो है ना, वही हमने अभी तक चर्चा किया कि मैं ना नहीं बोलता हूं, क्योंकि यदि मुझे मैंने उसको ना बोल दिया तो उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा हाँ लगेगा तब जब मुझे काम पड़ेगा तो ये काम हाँ में आएगा नहीं। हाँ, मगर आपको क्या लगता है ये कि आपने यदि काम नहीं किया, आपने हाँ हाँ बोला और काम नहीं किया, आपके आपको क्या लगता है काम में आने वाला है? वैसे भी नहीं आएगा, उसको ये मालूम है, सर बोलेगा पिछले बार मैंने बोला था तुमने किया नहीं, अभी मैं भी तुम्हारे काम में आऊंगा। वो भी ऐसे ही करेगा, हाँ बोलेगा और काम नहीं करेगा, वो भी वही करने वाला है, वो क्या वही अलग करने सर वाला बराबर ठीक। है। तो आपको जमता है तो काम करो, लोगों के काम में आओ, लोगों का काम करो, सपोर्ट करो। तो आप जब सपोर्ट करेंगे, जब लोगों के काम में आएंगे तो डेफिनेटली आपके भी काम लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मगर हम है आलसी, जमता है इजीली तभी भी नहीं करेंगे सपोर्ट, होता है तभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं क्यों सपोर्ट करूं, मुझे क्या मिलने वाला है? मतलब आसान है सपोर्ट करना, आसान है वो काम करना, तभी भी नहीं करेंगे। आप यदि वो आदमी के काम में आते हैं और उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम में आ गया, तो डेफिनेटली आपको भी वो काम में आएगा। मराठी में बोलते हैं ना कि एक अमे का सहाय करू अवगे धरू सुपंत, अवगे धरू सुपंत, एक अमे का सहाय करू अवगे धरू सुपंत। यस सुनील जी बोलिए, दिल्ली। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ और हाँ जी, मेरा कोई 500 कस्टमर्स हैं। हाँ कई जी, बार कस्टमर्स की तरफ से कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आता है कि ये अभी कर दो, ये दे दो, वो दे दो और ऐसा कर दो, अभी आ जाओ, कल आ जाओ। तो सर कई बार तो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ जबकि मेरे को भी पता है कि मैं नहीं पहुंच सकता या मैं ये काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। और जब मैंने ये कोशिश किया कि किसी को ब्लंटली मना कर दो कि भाई मैं तुम्हारा काम 2 दिन तक नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, मैं तीसरे चौथे दिन आऊंगा, तब वो कस्टमर मान जाता है और थोड़ा सा टेंशन कम होता है। मैं धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ लोगों को ना करने के लिए। सर ये तो बात रहा मेरे कस्टमर्स का। घर में क्या है कि घर में वाइफ और बच्चों का मैं काफी काम करता हूँ क्योंकि वाइफ भी जॉब करती है, वो भी के आती है, कुछ काम मैं हेल्प कर देता हूँ। बेटा बेटी मेरी पढ़ाई करती है तो कुछ काम मैं कर देता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है जिस दिन मैं उनका काम मना कर दूँ ना सर, उनका मुंह ना बिगड़ जाता है और वो पता नहीं मेरे साथ ऐसे वो हो जाते हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई क्राइम कर दिया ना बोल के। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसीलिए कई बार हाँ बोलना पड़ता है, हाँ बोल के घर वालों के साथ फंस जाते हैं। मदर है मेरी 82 ईयर्स की, वो भी जब कोई काम आएगा इमिजिएटली बोल देंगी जे आप ये खराब हो गया अभी बिजली वाले को बुलाओ, प्लम्बर खराब हो गया, ये नलका खराब हो गया अभी बुलाओ। तो कई बार मैं कर देता हूँ लेकिन जब मैंने देखा कि फैमिली में जब मैं ना बोलता हूँ तो उनका ना मुंह बन जाता है कि ये मना क्यों कर रहा है, आज तक तो इसने मना किया नहीं अब मना कर रहा है। तो सर कई बार ना माइंड में कंफ्लिक्ट होता है, कुछ होता है। ठीक है, धीरे धीरे जिंदगी को प्यार से बिताते हैं, खुशी खुशी आपकी राय ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। तो लुक एंड जिंदगी, लाइफ हाँ तो जिंदगी काट रहे हैं। सर कई बार ऐसा लगता है जैसे फैमिली में कोई काम है, कुछ वो है, हमारा मन नहीं है, ना कर दिया, नो बोल दिया, तो उनको ना मिर्चे लग जाती हैं कि इसने मना कैसे कर दिया है। तो तो जिंदगी जिंदगी काट रहे हैं ना, जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। आपने वैसे ठीक बात पकड़ी,
जो शब्द मेरे मुंह से निकला आपने ठीक बात पकड़ी। सर कई बार तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए यार तो, और कई बार लगता है कि तो है काट रहे ना। हैं कई बार। फिर क्या करते हैं एंड में, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ सर। मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ कि शुक्र है भगवान का मेरे पास फैमिली है, शुक्र है मेरे पास थोड़ा सा पैसा है कि मैं इनकी नीड फुलफिल कर सकता हूँ, शुक्र है कि बराबर। मेरे पिताजी मेरे को मकान दे के गए तो मकान की वजह से मैं रह पा रहा हूँ। तो सर ग्रेटिट्यूड एक मैजिक बुक को भी फॉलो करते हैं तो उससे थोड़ा सा लाइफ में परिवर्तन आया है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और अभी देखो, अभी अपेक्षा जो है लोगों की, वो हम हाँ पूरी जी करेंगे नहीं, या आप पूरी नहीं करेंगे तो लोगों का मुंह खुलना स्वाभाविक है, हाँ जी मगर उनका मुंह खुलता है करके मैंने जबरदस्ती कोई काम करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, मैंने करना नहीं चाहिए जबरदस्ती। सामने अच्छा वाले की अपेक्षा आप पूर्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक हाँ पूरी जी करेंगे तो उसकी और अपेक्षा बढ़ेंगे, और पूरी करेंगे तो और अपेक्षा करें। तो ठीक आपको जब भी बात नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, जब हाँ बोलना है तो हाँ बोलना है। ठीक बात सामने वाले का मुंह तो वैसे ही फुला रहेगा कभी भी, जिसको फुलाना है उसे समझता हाँ नहीं है, जी वो समझेगा नहीं वैसे, है ना। थैंक गुड, यू थैंक यू वेरी मच। वेरी मच थैंक यू। यस यस, स्वाति जी बोलिए। हाँ जी स्वाति। सर इससे क्या फायदा होगा अगर हम हाँ बोल दे, मतलब अपने को जब हाँ बोलना है तब हाँ बोलना है और ना बोलते हैं तब ना बोलना है, तो इससे फायदा क्या होगा? से फायदा ये होगा कि आप विश्वास पात्र बनेंगे ना, ये बोलती है हाँ तो ओके हाँ है, ना तो ना है, मुझे नहीं तो आपके पीछे लगना पड़ता है। आपने हाँ बोलने के बाद में हाँ करेंगे ना, हाँ करेंगे ना, हाँ करेंगे ना, राहुल जी हो ना प्रतिदिन हो करके, आपको भी आदत हो गई कि दो दो चार चार बार बोलने के बाद में आप करेगी। मुझे भी आदत हो और गई कि आपको सर दो दो चार चार बार बोलना पड़ता है हम झूठ ना। मूठ का, अगर अगर हमको कुछ काम करना नहीं है और झूठ मूठ का हम अगर हम सामने वाले को हाँ बोलते और बाद में रीजन देते, तो एक्चुअली ऐसे लगता है कि मतलब लोग अपने आसपास चाहिए, अगर ना बोल देंगे तो लोग अपने आप कांटेक्ट टूट जाएगा, और फिर अपने को मोटिवेशन भी तो लगता है लोगों से कि थोड़ा कोई दूसरा और कोई मोटिवेट बराबर करे तो। फिर काम, मैं वही बोल रहा हूँ, करो ना लोगों का काम। हाँ बोल रहे हैं तो हाँ बोल के काम करो ना, हाँ बोल के ना क्यों नहीं, मतलब करती क्यों नहीं फिर? और जब ना फिर नहीं वो कर सकते बोला नहीं करना है, सिंपल सर ना। बहुत बार ऐसे और होता है जब कि आप जब जो आलस आप के कारण नहीं बोलते, आलस के कारण नहीं बोलते, क्योंकि किसी का हाँ काम करना करेक्ट है, मतलब हाँ अपने हम मैं दोपहर के टाइम में टीवी देखूंगी तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, मैं सोचती हूँ उसके लिए मैं क्यों करूँ, मेरे में तो देखो बस अभी टीवी हाँ देख रहा। मैं अभी और एक बताता हूँ बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आपने मुझे समझो 10 काम बोले और मैंने 9 काम आपके कर लिए, और एक काम के लिए मैंने बोला मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए संभव नहीं है, और मैं 9 किए तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 9 किए हुए हैं। तो मेरी क्या है, मेरी पूंजी आपके पास में जमा है। अच्छा देखो आपके बैंक अकाउंट में मैंने पैसे रखा है, मेरी जमा है, अभी मैंने 9 काम आपके किए हैं, 9 बार मैंने आपको हाँ बोला हुआ है। अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, जब ना बोलता हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं ना बोलता हूँ तो मैं भी रकम निकाल रहा हूँ बाहर, तो बाहर रकम निकाल रहा हूँ। कब निकाल रहा हूँ रकम, जब आपके पास मैंने बहुत जमा करके रखा है। बैंक में आप जाते हो और बैंक में जाते हो तो आपके खाते में यदि पैसे आपके खाते में सिर्फ समझो 1,000 रुपए है तो बैंक आपको 10,000 रुपये निकाल देंगे क्या? देंगे क्या बैंक? नहीं देंगे। नहीं। हाँ जितना जमा है उसके उससे कम ही निकाल देंगे, उतना पूरा पूरा निकाल देंगे नहीं। तो वैसे लोगों के बैंक अकाउंट में यदि आपके बहुत सारे पैसे जमा है, इसका ही मतलब आपने लोगों का बहुत सारा काम किया हुआ है, लोगों के ऊपर एहसान किया हुआ है, लोगों को ओबलाइज किया हुआ है, उनको मालूम है कि नहीं नहीं ये काम करते हैं मेरा। तो फिर आपने एक दो बार जब ना बोलना है, जब मेरे से होता नहीं, आपने क्लियर कट ना बोला तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? क्यों मालूम है इसका? और क्योंकि अभी सर, पहले किया हुआ है भाई और काम। सर एक आधा काम सपोज अगर बच्चों की पढ़ाई हो गई या कुछ कुछ क्लासेस हो गए, कुछ हमने बहुत सफर करके वो चीज ढूंढी कि, और फिर अगर सामने वाला बोल रहा है कि मुझे भी बता वो चीज, तो ऐसे लगता है कि मैंने तो इतना सफर किया, अभी इसको क्यों बोलना है, ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, तो वो टाइम पे बहुत चीज कंफ्यूज हो जाते। हाँ ना, चीज कौन सी?
क्या? सर अगर अभी मतलब बच्चों के क्लासेस वगैरह कुछ अच्छा टीचर मिल गया और बहुत सफर करके ढूंढा उसको कि ये चाहिए मुझको, ये चाहिए मुझको, मुझे मिल गया और मेरे पास कोई आता है कि कोई अच्छा टीचर है क्या बता मेरे को, तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि नहीं बताना भी चाहिए, फिर माइंड में लगता है नहीं क्यों, मैं क्यों बताऊँ, ढूंढने दे उसको खुद का खुद, मैं क्यों हेल्प करूँ, हेल्प नहीं की तो भी दुख होता है और हेल्प की तो भी दुख होता है। बराबर है ना? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपके लोगों के पास में जमा रखो पूंजी। आप हेल्प करेंगे तो आपके लोगों के पास में कुछ पूंजी जमा रहेंगे, तो फिर आपको जब निकालना है तो आप निकाल सकेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि इसने मेरे को अच्छे टीचर का नाम बताया था और वो मेरे को फ्री में मिला था, तो उसके पास में कुछ पूंजी जमा है, तो आपको जब निकालना है खाते में से पैसे, तो उसके खाते में से पैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले जमा करके रखा हुआ ओके है। आपको जमा तो करके रखना पड़ेगा ना लोगों के पास में। ओके यस सर। और सर ये तो एग्जांपल अभी आप जो दे रहे हो वो तो मेरे साथ हो ही रहा है। मेरी बेटी है सर 13 इयर्स की, वो अभी कुछ बोल रही थी मुझे शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो पापा ने बोल दिया उसको कि 10 तारीख को मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन वो रोज उठ के वही पूछते हैं आप लेके जाने वाले हो 10 तारीख को, तो हाँ होता है सर। उसको मालूम है कि ये कोई लेके जाने वाले हाँ है नहीं, कुछ तो भी बहाना बनाएंगे। तो हाँ फिर वो उसमें बोलती कि तुम कितना कुछ कितना समय बोलेंगे तो जाता है, सामने वाले का कितना समय जा रहा है, आपका कितना समय जा रहा है, और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रोडक्टिव नहीं है, उत्पादन क्षमता हमारी कम है, कम समय में ज्यादा काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कितना सारा समय बर्बाद हो रहा है इसमें, उसका भी समय बर्बाद हो रहा, आपका भी समय बर्बाद हो रहा, ना ना बोलने में उसका भी समय बर्बाद हो रहा, पूछने में कितना समय, वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कि कितना समय जा रहा है। यदि यदि मेरे दिमाग में क्लियर है कि नहीं नहीं मेरे पिताजी बराबर 1-10 तारीख को वो करने वाले हैं, ऐसा बेटी को क्लियर है, वो 10 बार क्यों पूछेंगी? तो मालूम है कि 1 बार उन्हें हाँ बोला ना रोज और पूछती है, खत्म, वो रोज कौन पूछती है, दिन में एक बार कभी ना कभी पूछ ही लेती है। है? उसको अनुभव अच्छा नहीं आया हुआ है, वो अनुभव अच्छा नहीं आया हुआ है, तो वो बार बार पूछते तो उसका भी टाइम जा रहा है, इसकी क्या कीमत है जरा बताओ, इसकी क्या कीमत है जब बार बार वो पूछ रहे उसकी उसका टाइम जा रहा है, अगर आपको कुछ बार बार अगर जवाब दे रहा हाँ हो आपका टाइम जा रहा है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट भी बात बताएंगे आगे जाके तो वो सोचेगी नहीं ये लोग करते नहीं है, और फिर विश्वास चला आपके बोलने को जाएगा। आपके बोलने को इसका मतलब क्या हो गया, बार बार पूछे 10 तारीख को लेके जाएंगे ना, 10 तारीख को लेके, मतलब आपने जो बोला हुआ है या उसके डैडी ने जो बोला हुआ है उसके ऊपर वो विश्वास करके नहीं है, इसका ही मतलब यह है कि आपके शब्दों के ऊपर वो विश्वास करती नहीं है, आपके शब्दों को वो मान सम्मान देती नहीं है, आपके शब्दों को वो इम्पोर्टेंस देती नहीं है, कि इन्होंने शब्द दिया मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है, आपके शब्दों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते है। फिर आप बोलते हैं कि अरे मैंने बोलने के बाद में मानते नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों को कीमत ही नहीं है, आपने अपने शब्दों की कीमत गमा दिया है, ऑलरेडी लॉस्ट, क्या कीमत है आपके शब्दों को? और फिर हम बोलते हैं कि देखो मेरा मानते ही नहीं कोई, मेरा मानते ही नहीं कोई, क्योंकि आपके शब्द क्यों मानेगा, आपके शब्दों को कीमत ही नहीं है, आपने कीमत गवा के दी हुई है, गवा के बैठे। यस प्रवीण जी, सर हेलो सर, हाँ सर आज का ये जो है ना प्रोग्राम, ये YouTube में लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा सर? हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ तरी, हाँ YouTube के YouTube लिंक में तो है हमने पर लाइव हमने स्ट्रीम नहीं हो हाँ रहा। लाइव नहीं हो रहा है, हमने लाइव डायरेक्ट कर लिया, तो जो डायरेक्ट आ गए ना वो आ गए, मतलब YouTube पे चालू है मगर वो लिंक पे नहीं आ रहे, जो हमने भेजा था ना वो लिंक पे नहीं, मगर हाँ अदरवाइज लाइव चालू है नहीं YouTube लाइव पे। चालू है सर, पर उस पर प्रोग्राम ये जो चल रहा है ना अपना वो नहीं दिख रहा उस पर, जो स्ट्रीम नहीं लाइव YouTube। लाइव चालू है, मेरे को दिख रहा है अच्छा डॉक्टर दीपक केरकर चैनल जो, उसके ऊपर जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, अच्छा अच्छा नहीं किसी ने और तो जो भी अभी लिंक मुझे फोन किया था बोले YouTube पर नहीं हाँ दिख रहा, हाँ इसलिए हाँ नहीं दिख हाँ रहा है, बराबर है नहीं दिख रहा ठीक हूँ, वो लिंक का कुछ भी गड़बड़ हो गया हो। है थैंक यू। यस यस सुनील जी बोलिए, फिर से आपको बोलना है कुछ? सुनील जी फ्रॉम दिल्ली, हाँ जी हाँ बोलिए। सर, मैंने ये देखा है अभी कुछ टाइम से, ये रियलाइज किया है कि हम कितने भी प्रॉब्लम में हैं
कोई भी समस्या है लाइफ में, लेकिन ग्रेटिट्यूड से हम ना अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, और थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज के लिए। और प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं लाइफ में, अनलिमिटेड मेरिट लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि वाइफ को भी मैनेज करना है, पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। बच्चों की आजकल सर जो ग्रोथ है, उम्र है, काफी सारी उनकी ना डिमांड्स ऐसी है, उनके पास सोशल मीडिया है सर, हमारे टाइम में नहीं था, सर दर्दी है सोशल मीडिया। बच्चों को अगर गाइड करें हम कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, तो वो नहीं रह पाते हैं। और सर, और रिलेशनशिप भी अब सर व्हाट्सएप वाले रिलेशनशिप ही रह गए हैं, सोशल मीडिया वाले ही रिलेशन रह गए हैं। पहले हमारे टाइम में हम अपने ब्रदर्स को सिस्टर्स को फोन करके या मिलके हैप्पी बर्थडे बोला करते थे, आजकल जो है वो ब्रदर्स और सिस्टर्स को कजन्स को सिर्फ व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो लाइफ हमारी कहाँ जा रही है, थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन आई पर्सनली फील कि हमें थैंक यू और हमारे पास जो जो चीजें हैं उनको थैंक्स बोल के आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने ये देखा है, ये मुझे काफी हेल्प करता है, मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता है। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मैं आपके कॉन्टेक्ट में आया और कुछ अपनी लाइफ की कुछ बातें सीख सकता हूँ। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे घर में इंटरनेट का एक कनेक्शन है कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे पास मेरे कुछ पैसे मेरे और लोगों को बोलने का मौका देंगे, मेरे का आपकी बात समझ में आई मेरे को, है ना, और ठीक बोलने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप जो शेयर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं और किसी को कुछ बोलना है तो कोई सवाल होंगे, है ना। यस, और किसी को कुछ बोलना है, एनीबडी? सुनील जी, सुनील जी आप मैजिक प्रोग्राम में आते हैं कि नहीं सवेरे? सर मैं ना थोड़ा सा कोई है ना, अब अभी क्या है कि समस्या एक और भी है सर, कि घर में अगर सारा दिन मोबाइल पे रहे या लैपटॉप पे रहे तो घर वालों को मिर्ची लग जाती है। वो कहते हैं कि ये हमेशा तो लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं, हमेशा इनका जूम चल रहा होता है, सुबह जूम है, शाम को जूम है, इनको तो कोई काम ही नहीं है मोबाइल के अलावा। और वो कई बार ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं मोबाइल पे क्या काम कर रहा हूँ, जबकि मैं तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। तो सर बैलेंस करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। देखो जब जब पॉसिबल है तब तक आते जाओ, बिजी मैजिक का काम करते हैं। ठीक है, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। या और किसी को कुछ बोलना है, एनीबडी? एनीबडी? नहीं तो हम खत्म करेंगे प्रोग्राम। अगले बार मैं सोच रहा हूँ कि माइंडफुलनेस के ऊपर लेना, माइंडफुलनेस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोगों को बहुत मजा भी आता है माइंडफुलनेस। अगले गुरुवार को, ठीक है ना? ओके गुड, यस। और कोई, एनीबडी? खत्म करते हैं, नहीं तो किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, पूछना है? हाँ जी बोलिए प्रवीण जी। सर किसी ने मैजिक के बारे में पूछा है तो मैं मैजिक की लिंक डालता हूँ, एक मिनट रुकिए सर। हाँ। मैं मैजिक की लिंक डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल देता हूँ, ताकि जिनको मैजिक में आना है सुबह तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें रोज की लिंक मिली जाना। करता हूँ सर। यस ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ नहीं, प्रभाकर जी आपको कुछ बोलना है? प्रभाकर जी, प्रभाकर वाकड़े, डॉक्टर प्रभाकर वाकड़े बोलिए। लेट आया थोड़ा, सॉरी। हाँ जी, हाँ वो पेशेंट के कारण मैं भूल गया था मैं। अच्छा भूल गए थे अलार्म? हाँ पेशेंट अलार्म नहीं लगाया था, अलार्म नहीं लगा था। मैं वही तो बोलता ना कि अपन हाँ बोलते हैं और वो हाँ बोलने के बाद में उसका पालन नहीं करते हैं। बराबर, उसका पालन करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर अपने पास में नहीं है। सही नहीं है, हाँ एग्जिस्टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपने शब्द का पालन करेंगे। फिर हम बोलते भूल जाते हैं और फिर कारण देंगे और कारण ऐसा स्ट्रांग देंगे कि लोगों को पट जाएगा कि हाँ यार बराबर अच्छा कारण। नहीं वो तो गिल्टी फील अपने को अंदर होता है, मगर बाहर कारण देंगे
तो लोगों को पटने वाला कारण है कि जैसे अभी देखो पेशेंट आ गए तो बेचारे डॉक्टर तो लेट ही आएंगे ना, बराबर है कारण। अभी ये वीक में बहुत अपसेट हूँ सर। एक संतरा लगाया मैंने 4 एकड़, हाँ, और कजिन के ताबे में दिया तो उन्होंने वो पूरा 50-60 झाड़ गमाए पहले, बाद में और 100-150, अभी यानी 275 झाड़ गए और 120 बच गए। तो उसमें बहुत सारा यानी अपसेट होगा कि भाई लोगों पर भरोसा करते और ऐसा हो जाता है। तो उसमें यही दिख रहा कि ना अलार्म है ना कभी गया नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी वो भी ओपन हो रहा कि जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला, मराठी मध्ये म्हणतात जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला, त्यावर विश्वास टाकून होत नाही, त्याच्यावरती विश्वास टाकून उसको मॅनेज करना पडतात। एक तो काम आप करो या फिर काम करवा के लो, करवा के लो, हाँ, और करवा के लेने की जिम्मेवारी आपके उसके नहीं। तो वहाँ मैं लैकिंग हूँ, मतलब वो नहीं कर पाया मैं। और आप करो या करवा के लो, ऐसा छोड़ दिया तो नहीं होता है। दूसरी तरफ से जो होता वो अच्छा है, ये अगर सोचा तो सुना भी है कि 5-7 साल हमारे तरफ संतरा नहीं आता, किसका 4th साल में आ जाता, तो बहुत बड़ी रिस्क है उसमें और मेहनत बहुत है। तो अगर मैं यहाँ से लाडनापुर हमेशा जाऊँ तो वो भी एक मेरा अभी मतलब दूसरा चेंज कर लिया अभी उसमें। गुड, तो जो दूसरा भाई विश्वास ना ऐसा कार्यभाग बुडाला, विश्वास टाकू ना। क्या होता है कि हम किसी को बोल देते हैं और बाद में उसका फॉलोअप लेते नहीं है। तो किसी को बोल दिया और उसका फॉलोअप नहीं लिया, सो नॉट टेकिंग फॉलोअप इज डिसास्ट्रस, ऐसा बोला जाता है। खतरनाक बात सबसे ऐसी होती है कि हम किसी को काम बोलने के बाद में यदि उसका टाइम डिस्टेंस फॉर्म में यदि उसका फॉलोअप नहीं लेते हैं तो फिर वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सामने वाला करेगा नहीं करेगा हमको मालूम नहीं है। वो हमने अभी तक जो बात किया है कि वो हाँ बोलने वाले ग्रुप में होगा कि सामने हाँ बोलना और बाद में तो उसको करना ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम वाला कार्यक्रम हो जाए। तो सामने तो हाँ बोलता है क्योंकि ना नहीं बोल सकता। बराबर, एक बात पूछू? हाँ जी बोलो। अभी तुम्हारे से अब कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करो, अपना एज में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का होगा, लेकिन तुम्हारी जो लेवल है, तुम्हारी जो एनर्जी है वो और मेरी यानी वो हिसाब से हमारे बहुत कम है, और उसको हमको अपसेट, डाउट, उसके बाद में गिल्टी, दुख, इसमें पूरा टाइम्स एनर्जी जाती है। तो ये कैसा करना है, इसका कोई चाबी, कोई मंत्र, किल्ली, क्यों ऐसा बार बार? क्या हमारा पिंड है, क्या अनुवांशिकता है, क्या फैमिली में है, क्या हम क्या वही वही लेकर पैदा हुए हैं, तो क्या वो अनुवांशिकता नहीं जाती? वो बार बार क्यों वही गिल्टी फील आता है, सैडनेस आता है, वरीड आता है? तो आज जो अपने वो जो आप आज जो किया ना, हमने आज जो डिस्कशन किया, बस उसका भी एग्जीक्यूशन करना चालू करो। आज जो हमने डिस्कशन किया वो ये है, जब हाँ, तो वो मैं अभी टेक होम मैसेज आपको दे रहा हूँ कि भाई जब आपको हाँ बोलना है तब हाँ बोलो, जब ना बोलना है तब ना बोलो। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, और जब ना बोलना है तब ना बोलना। यदि आप हाँ बोलते हैं तो हाँ बोलो और वो काम करो। इसका ही मतलब ये है कि अपने शब्द का पालन। और दूसरा, वो उसमें मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ना बोला तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ना बोला तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए अपने ऊपर उसका कुछ मत लो और पावरलेस मत जियो। अरे जो बोला वो करो, जो मतलब इंटीग्रिटी में रहो, ये ज्यादा ये संदेश है आपका। डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन, अनुशासन। अच्छा, है ना, डू व्हाट यू सेड यू वुड डू। जो आपने बोला वो करो, जो समय पे बोला वो समय पे करो। बराबर है, तो आपने समय पे दिया है वो समय पे जाके पहुंचो। ये तो हर जगह मिस है सर। क्लिनिक में 10 का टाइम है, 11-12 बजे जाते हैं। मैंने एक सैंपल है, उदाहरण है, ऐसा हर जगह है। करेक्ट, गॉट इट। और जो काम की शुरुआत किया वो काम खत्म करो। हम शुरुआत करते हैं, काम खत्म नहीं करते।
वो छोड़ देते आधा आधा आरंभ शूर आरंभ शूरवीर है, आरंभ करने में शूरवीर उसको बोलते हैं आरंभ शूर बराबर वो पूरा नहीं करते तो फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड रीच ऑन टाइम एवरी टाइम डू व्हाट यू सेड यू वुड डू कल से एक्शन में लेता हूं सर यस डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो तो ये सब आज का टेक होम मैसेज है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगले गुरुवार को मिलेंगे बिल्कुल कल सुबह कल का सुबह जो टॉपिक है इसमें के काफी लोग ऐसे होंगे कि जो सुबह आते हैं तो आप अपने लोगों को लेके आओ कल हम देखेंगे कि अपने माँ बाप का अपने ऊपर क्या असर हुआ है और अपना पास का अपने ऊपर क्या असर हुआ है वो हम देखेंगे 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक ओके है ना उसके पहले अबंडेंस का मैं लिखूंगा ठीक है ये स्वाति आखिरी लास्ट एनीथिंग यू वांट टू से सर ये आज का जो टॉपिक आपने मैजिक में लिया था कल का जो टॉपिक उससे ऊपर थोड़ी सी बात करनी है सर सर ये बिलीफ मेरा हो गया था वो मेरे नानी से आ गया था वो नानी मतलब ऐसे बोलती थी कि लड़कियों ने सिर्फ घर में ही रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए और लड़कियां ज्यादा खेल कूद नहीं सकती मेरे मौसी के लड़कों के साथ बाहर खेलती थी तो वो मुझे पकड़ पकड़ के घर में लाके बिठाती थी वो ज्यादा सर इफेक्ट हो गया माइंड पे तो आज सुबह लेंगे ना सर कल आपको टॉपिक हाँ और लेंगे ना कल तो वो बिलीफ तो कैसे तो वो बिलीफ हुआ है ना ये बिलीफ हुआ है ये पक्के बैठे हुए अपने दिमाग में और वो बिलीफ आपको कंट्रोल करते हैं हाँ और इसका इंसिडेंट सर ये हुआ कि मैं मतलब गुस्से में आई थी और वो मतलब गांव में ऊपर में खड़ी थी और नीचे वो कुंभार के वो मटके रहते ना वो मैंने सारे फोड़ डाले थे वो मुझे लगा था कि ये नीचे वालों को कैसे क्या पता चलेगा कि ये मैंने फोड़े मैं गुस्से में आके मैं फोड़ दिए थे लेकिन वो 5-10 मिनट के बाद हमारे घर पे आए थे नानी के घर और मुझे बहुत डांट के गए थे तो वो उस चीज से तो मैं बहुत ही डर गई कि सच में लड़कियां ने बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए इससे तो ये बिलीफ जो है ना ये अपने को चलाते हैं जो हमारे एक बार बिलीफ बन गए जैसा भी प्रभाकर वाकड़े ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ मैं इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ ये बिलीफ बन गया अभी और वो बिलीफ अभी अपना लाइफ चला रहा है उनका उनका लाइफ क्या चला रहा है कौन चला रहा है कि नहीं मैं इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ आपका लाइफ कौन चला रहा है कि नहीं नहीं लड़कियों ने अपने चौकट में रहना चाहिए लड़कियों ने ये नहीं करना चाहिए लड़कियों ने ऐसा वो बिलीफ चलाता है वो फिर वो उसके बाद वो आगे भी ये भी बोलती थी कि ये फिर ससुराल में रहेगी नहीं ये भाग के मायके में चली आएगी तो वो अभी भी सर ऐसे कुछ लगता है घर पे कुछ काम नहीं किया तो फिर लगता है कि नहीं फिर जाना पड़ेगा मायके तो, ऐसे तो होता है डर के कितने साल डर के जियो है ना कितने साल डर डर के जियोगे सर वो वैसे कुछ भी नहीं है फिर भी ऐसे माइंड में आता है फिर वो बिलीफ कैसे तोड़ू उससे बाहर कैसे होगा चलो कल से पहले बात करते हो यस सर ओके देन सो थैंक यू वेरी मच गुड नाइट बाय बाय शब्बा खैर खुदा हाफिज राम राम